नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज दोस्तों हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे समाज के, जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर्स में आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे। आप तरह तरह के न्यूज़ मीडिया में इस शब्द का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, लेकिन समस्या ये है कि इस वर्ड के बारे में लोग जानना नहीं चाहते हैं, इसकी बहुत ज्यादा नजरअंदाजगी हो रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कार्बन फुटप्रिंट की। क्या है कार्बन फुटप्रिंट, इसके क्या दुष्परिणाम हैं और ये कैसे इतना ज्यादा प्रचलन में आ चुका है, हम इन सभी विषयों में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा इस कार्बन फुटप्रिंट वर्ड के इतिहास में। दोस्तों मैं ले जाना चाहूंगा आपको 1970 के दौर में। 1970 के दौर में यूएस में एक प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे जंक फूड लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे थे। जब लोगों ने जंक फूड कंज्यूम करना ज्यादा शुरू कर दिया तो वो जंक फूड जो थे वो डिस्पोजेबल आइटम्स में आते थे, हमेशा डिस्पोजेबल पैकिंग्स में आते थे, क्योंकि उस वक्त पे इतनी ज्यादा रिसाइकलिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, जगह जगह पे कूड़ेदान नहीं हुआ करते थे। तो लोग वो डिस्पोजेबल जो आइटम्स होते थे उनको खा के उनकी जो पैकिंग मटेरियल होता था वो रोड्स पे फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा था। इसी वक्त पे कोका कोला नाम की एक संस्था आती है और वो मेक अमेरिका ब्यूटीफुल नाम की एक इन्वायरमेंटल संस्था डालती है। उसका काम क्या था, वो लोगों को लिटर बग शब्द से बुलाना शुरू कर देती है। लिटर बग वो जो लोग होते हैं जो चीजों को ऐसे ही फेंक दिया करते हैं या जो कोई खराब काम कर रहे हैं। लोगों को इससे बहुत ज्यादा हीन भावना होने लगी, लोगों को ये लगने लगा कि ये जो जो भी चीजें हो रही हैं, एनवायरनमेंट जो भी प्रदूषित हो रहा है, ये तो मेरी ही वजह से हो रहा है। इस तरीके से कोका कोला कंपनी ने अपना पल्ला एक तरीके से झाड़ लिया, जबकि सच ये था कि डिस्पोजेबल पैकिंग में वही चीजें बेच रहे थे उस वक्त पे, और लोगों के पास क्योंकि संसाधन नहीं थे उसको डिस्पोज करने के लिए कहीं भी, इसलिए वो सड़कों पे फेंक रहे थे चीजों को। बहुत समय बीत जाता है, कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है और चीजें सुचारू रूप से उनके लिए चलती रहती हैं। 1992 में विलियम रीस नाम के एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नाम का एक वर्ड दिया, क्योंकि उस वक्त पे लोग बहुत ज्यादा एनवायरमेंट की बातें नहीं कर रहे थे, लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते थे, इसलिए ये वर्ड एक तरीके से नजरअंदाज हो जाता है। इसके बाद चीजें फिर से वैसे ही चलती रहती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, हमारी प्रकृति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और ग्रीन हाउस गैसेस अब अपना इफेक्ट दिखाने लगी थी। इसका जब शोध शुरू हुआ तो सबसे बड़ा मुख्य कारण जो इसका निकल के आया वो ये पता चला कि जितनी भी बड़ी बड़ी फॉसिल फ्यूल्स कंपनी थी वो इसका मुख्य कारण थी। अब तक फॉसिल फ्यूल्स कंपनी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अब हमारे ऊपर गाज गिरने वाली है। इसी समय पे 2005 के आसपास ब्रिटिश पेट्रोलियम नाम की एक कंपनी थी वो आती है और वो मार्केट में कार्बन फुटप्रिंट नाम के शब्द को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है, कुछ एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ मिल करके। वो जाके छोटी छोटी कंपनीज में जाते हैं और एक कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर उनको देते हैं कि आप इस तरीके से अपना कार्बन फुटप्रिंट चेक कर सकते हैं और कोशिश करिए कि कैसे आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे स्कूटी से जाना चाहते हैं तो वो आप स्कूटी से ना जाके पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज कीजिए, एसी आप कम चलाइए, और इसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने तरीके लोगों को बताए, जिससे लोगों को ये एहसास होने लगा कि शायद जो मुख्य कारण है प्रकृति को खराब करने का और ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा एमिट करने का वो शायद हम ही लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भी एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे थे, वो लोगों के ऊपर दोषारोपण करना चाहते थे कि कैसे जब लोगों को खुद ये लगने लगेगा कि अरे इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, तो लोग कभी भी इन बड़ी कंपनीज के पीछे जाएंगे ही नहीं और लोग हमेशा अपना इंडिविजुअल देखेंगे कि कैसे वो अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम कर सकते हैं। चीजें बढ़ती चली जाती हैं और अब ग्रीन हाउस गैसेस असल में अपना कमाल दिखाना शुरू कर चुकी थी। 2015 में पेरिस में एक
सम्मेलन होता है जिसमें दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों ने हिस्सा लिया और वहां पे एक कमिटमेंट लिया जाता है सभी से कि कैसे भी करके हमें जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक सीमित करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे ही चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पे अच्छे से समझ सकते हैं जाके कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे उसके नुकसान हो रहे हैं और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कैसे चीजें सुधार सकते हैं। वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, मीटिंग खत्म हो जाती है पेरिस में और इसके बाद लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट असल में होता क्या है। देखिए हम बहुत आसान भाषा में बात करेंगे क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है वो जो एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही है उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट दोस्तों किसी का भी हो सकता है, कार्बन फुटप्रिंट मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मतलब कि एक व्यक्तिगत पर्सन का भी हो सकता है, वो किसी एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है, वो किसी इंडस्ट्री का भी हो सकता है, वो किसी देश का भी हो सकता है। कैसे ये अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए दोस्तों जब मैं बोलूंगा कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट क्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एक्शंस के द्वारा जितना CO2 और मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में जो एमिट हो रहा है उसको कहेंगे एक इंडिविजुअल पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट का कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट का कार्बन फुटप्रिंट हम शुरू करेंगे उसके रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से। देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा होगा, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर वो एंड कस्टमर के पास जाएगा और फाइनली वो रिसाइक्लिंग फेज में जाएगा। राइट फ्रॉम द प्रोडक्ट जब बनने जा रहा है, राइट फ्रॉम द उसका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेकर रिसाइक्लिंग प्रोसेस तक, उस इस पूरी प्रोसेस में जितना ज्यादा कार्बन एमिट होगा, जितना ज्यादा CO2 और मीथेन एमिट होगी एटमॉस्फेयर में, वो उस प्रोडक्ट का कार्बन फुटप्रिंट होगा। बात करते हैं अब इंडस्ट्रीज के कार्बन फुटप्रिंट की। इंडस्ट्रीज का कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, देखिए आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि नदियों में जो है वो इंडस्ट्रीज का गंदा पानी जो है वो फेंका जा रहा है, कितना आपने देखा होगा जगह जगह इंडस्ट्रीज होती हैं, धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, ये एक इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट हो गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैसे ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ब्लेम ना लेने के चक्कर में एक आम आदमी पे ब्लेम डालती चली जा रही हैं। देखिए टॉप 100 जो कंपनीज हैं वो 70% कार्बन एमिट करती हैं, दुनिया में जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है उसका टॉप 70% जो है वो टॉप की 100 कंपनीज जो है वो एमिट कर रही हैं। बची खुची जो 30% कंपनियां हैं उनके ऊपर लेकिन पूरा ब्लेम डाला जा रहा है। उन 30% में कहीं ना कहीं एक आम आदमी भी आता है। हम लोगों से कहा जाता है कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करिए, उसके लिए कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर बनाया गया, बोला गया कि आप जाके वहां पे अपना कार्बन फुटप्रिंट चेक करिए, कोशिश करिए आप कैसे कार्बन फुटप्रिंट अपना कम कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर लूंगा वो बेशक एक अच्छी चीज है, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि इसके मुख्य वजह क्या है, इसके मुख्य रीजंस क्या है, क्यों इतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, क्यों इतना ज्यादा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस विषय में हम बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कैसे हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनकी वजह से कितना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, कितना ज्यादा हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही हैं और उसकी वजह से कितना ज्यादा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में राइज देखने को नोटिस किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।